BS6 एमिशन नॉर्म्स आने के कारण इसुजु ने अपनी वी क्रॉस पिकअप ट्रक को कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया था, लेकिन अब वी क्रॉस वापस सेल पे है। और इस नए स्लाइटली अपडेटेड अवतार में आपको मिलता है एक BS6 सर्टिफाइड इंजन, साथ ही साथ कुछ नए चेंजेस और पहले से भी ज़्यादा महंगा प्राइस टैग। तो क्या ये लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक 24.5 लाख रुपए एक शोरूम के वर्थ है या नहीं? अगले कुछ मिनटों में एग्जैक्टली यही बात हम आपको बताएंगे। अब शुरुआत में एक पैकेज के तौर पे देखे तो ऐसा लगता नहीं है देख के कि बहुत ज़्यादा अपीलिंग या वैल्यू फॉर मनी कोई बात निकलेगी इस गाड़ी में से, क्योंकि बहुत महंगी है। और उस प्राइस के हिसाब से जब आप कैबिन को देखते हैं, फीचर लिस्ट को देखते हैं, ना तो अपने प्राइस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फीचर्स इस गाड़ी में है, ना तो ये सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल है, ना तो ये चलाने में बहुत बढ़िया कोई ड्राइवर्स डिलाइट है। तो उसके अलावा इसकी एक खासियत जो कि हम कह सकते हैं कि प्रीटी मच अपने प्राइस सेगमेंट में ही नहीं, उससे थोड़े से ऊपर सेगमेंट में भी बेस्ट है, वो है इसके लुक्स। बहुत ही बड़ी और सॉलिड है ये गाड़ी देखने में। साइज़ की बात करूं तो ये 5 मीटर से भी ज़्यादा लंबी है। इनफैक्ट अगर आपको रेफरेंस देना हो साइज़ का, जो नई मर्सिडीज बेंज की एस क्लास आई है ये उससे भी थोड़ी लंबी है। काफ़ी बढ़िया इसका मस्कुलर डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छा रोड स्टैंड है, रोड प्रेजेंस इस गाड़ी की बहुत ही दमदार है। तो अगर आपको ऐसा डिज़ाइन चाहिए ऑफकोर्स, और किसी भी आप सेगमेंट में देखेंगे ऐसी गाड़ी अभी अवेलेबल नहीं है, इसका कोई डायरेक्ट राइवल नहीं है। तो लुक्स, जैसे मैंने कहा, ये एक एरिया है जहाँ पे इसुजु वी क्रॉस बहुत ही बढ़िया तरह से अपने सेगमेंट में डोमिनेट करती है। लेकिन इसके अलावा अगर आप बाकी सब देखेंगे, जैसे मैंने बताया, कुछ भी अपने प्राइस सेगमेंट में बेस्ट नहीं है, लेकिन ओवरऑल वैल्यू बढ़िया है या नहीं वो पता करने के लिए हम डिटेल में जाएंगे। और सबसे पहला जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चेंज, वो है इसका नया इंजन। तो आइए पता करते हैं रोड पे चल के। तो अब बात करते हैं वी क्रॉस के परफॉर्मेंस की। अब इंजन की बात करें तो इस इंजन में अपडेट के बाद अभी BS6 कंप्लायंट है, साथ ही साथ थोड़ी सी ज़्यादा पावर और थोड़ा सा ज़्यादा टॉर्क मिलता है आपको। 13 PS और 10 Nm टॉर्क ज़्यादा, यानी कि अब 163 PS और 360 Nm टॉर्क। और ये जो हम वेरिएंट चला रहे हैं 4x4 ऑटोमेटिक वेरिएंट है, लेकिन आप 4x4 में भी मैनुअल गेयरबॉक्स ऑप्ट कर सकते हैं या फिर 4x2 वेरिएंट ले सकते हैं। अब इस गाड़ी की मैं बात करूं अगर परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस इसकी ज़्यादा पावर बढ़ जाने से कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आया, और उसका रीज़न है इसका वेट। 2 टन की ये गाड़ी है और इस कारण से 13 PS की महज बढ़ोतरी से कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, एक फ़र्क जो मुझे लगता है, पुरानी वी क्रॉस भी मैंने चलाई है तब से, इसमें थोड़ा सा लगता है कि रिफाइनमेंट पहले से बेटर हुआ है, यानी कि बाहर से जो आवाज़ है वो कैबिन में कम आती है, उस कारण से थोड़ा सा एक अप मार्केट फील कैबिन में पहले से बेटर आ रही है। साथ ही साथ परफॉर्मेंस की बात करूं तो एक्साइटिंग परफॉर्मेंस नहीं है इस गाड़ी की, क्योंकि काफ़ी भारी है, लेकिन हाँ, आपको पॉइंट ए टू पॉइंट बी बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से गाड़ी पहुँचा देगी। हाईवे स्पीड्स तक भी आराम से पहुंच जाती है, और अगर आप हाईवे पे 100-115 पे क्रूज़ करना चाहते हो तो वहां तक इस गाड़ी में कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आती है। सो दैट वेज चलाने में अगर आपको एक गाड़ी चाहिए जो फ़न हो, वो चीज़ आपको यहां नहीं मिलेगी, लेकिन हां, हैसल फ्री ड्राइविंग आपको बिल्कुल मिलती है। गेयरबॉक्स भी अपना काम अच्छी तरह करता है, जो एक इनिशियल लैग है थोड़ा सा उसको काफ़ी अच्छी तरह मास्क करता है। साथ ही साथ उसकी अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट की जो स्पीड है वो भी ठीक ठाक है, तो उस कारण से किसी भी कंडीशन में, चाहे हाईवे हो चाहे ट्रैफिक, चलाने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं आती।
उसके अलावा अगर राइड क्वालिटी की बात करें तो राइड क्वालिटी इस गाड़ी की डिपेंड करती है कि आपने जो पीछे फ्लैट बेड है, जो डेक है, उसमें कितना वेट डाल रखा है। अगर खाली आप उसको चला रहे हैं तो काफ़ी एक बाउंसी इसकी राइड क्वालिटी है, कुछ ऐसी। तो ये काफ़ी आपको इसमें वर्टिकल मूवमेंट, हमेशा आपको हल्का सा भी रोड पे एंडुलेशन होगा तो काफ़ी वर्टिकल मूवमेंट इसमें महसूस होता है इस गाड़ी में। लेकिन अगर एक बार आप काफ़ी वेट इसके पीछे जो इसका फ्लैट बेड है इसमें डाल दे, वेट सस्पेंशन पे आ जाए, तो वहाँ पे उस कंडीशन में इसकी राइड क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव कर जाती है। लेकिन तब भी इस प्राइस सेगमेंट की SUVs जितनी कम्फर्टेबल आपको नहीं मिलेगी इसकी राइड क्वालिटी। हैंडलिंग की मैं बात करूं तो काफ़ी एक बड़ी गाड़ी है, भारी है, लंबी है, ऊंची है, तो जाहिर सी बात है कि कॉर्नर्स पे बहुत तेज़ आप नहीं जा पाएंगे, और वो ठीक भी है। मतलब शायद ही कोई एक्सपेक्ट करेगा ऐसी गाड़ी से, ये उस पर्पज़ के लिए बनी भी नहीं है। लेकिन न्यूट्रल हैंडलिंग है, नर्वसनेस ज़्यादा आपको नहीं दिखाई देगी अगर आप नॉर्मल स्पीड्स पे चला रहे हैं कॉर्नर्स पे, और स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। आप आराम से स्ट्रेट लाइन में, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। ऑफ कोर्स जो मैंने वर्टिकल मूवमेंट बताया राइड क्वालिटी के मामले में वो है, लेकिन गाड़ी अनस्टेबल हो रही हो ऐसा महसूस नहीं होता है हाईवे स्पीड पे। साथ ही साथ ब्रेक्स की बात करूँ तो ब्रेक्स अपना काम ठीक तरह से करते हैं, लेकिन काफ़ी स्पंजी ब्रेक्स हैं, फीडबैक नहीं है पेडल में, और स्टेयरिंग इसका काफ़ी हैवी है स्लो स्पीड पर। और साथ ही साथ आप ये भी याद रखें कि इसका टर्निंग रेडियस भी बहुत छोटा नहीं है, काफ़ी लंबी गाड़ी है। तो जब आप इन सब चीज़ों को डालते हैं स्लो स्पीड पे, टाइट ट्रैफिक में या टाइट पार्किंग स्पॉट्स में चलाना इसे काफ़ी मुश्किल लग सकता है कुछ केसेस में, बट एक बार आप चलाना शुरू कर दें फिर कोई ख़ास दिक्कत नहीं आती नॉर्मल स्पीड्स पे। सो ओवरऑल जैसा मैंने बोला कि हाँ, चलाने में पॉइंट ए टू पॉइंट बी विदाउट एनी हैसल आपको जाना है तो वो काम करेगी, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। और साथ ही साथ अगर मैं ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ की बात करूँ तो ऑफ रोड कैपेबिलिटी इसमें 4x4 सिस्टम लगा हुआ है, साथ में आप ये रोटरी नॉब यूज़ करते हुए इसको 2 हाई से 4 हाई या 4 लो में भी जा सकते हैं। ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ पहले से कोई चेंज नहीं आया है तो ये अभी भी काफ़ी ऑफ रोड कैपेबल गाड़ी है। थोड़ी सी जो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कई बार बहुत ही एक्सट्रीम ऑफ रोड कंडीशंस में इसका पीछे का ओवरहैंग काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा ओवरहैंग है, और वो कुछ टाइट सिचुएशंस में एक लिमिटेशन साबित हो सकता है। उसके अलावा लेकिन गाड़ी में कोई खास आपको दिक्कत नहीं आएगी, 4x4 बढ़िया इसका काम करता है, और बहुत ही हार्श कंडीशंस में आप इस गाड़ी को आराम से बहुत ही मतलब धो के चला सकते हैं, और तब भी ये हंसते खेलते हुए आके बोलेगी कि और थोड़ी ऑफ रोडिंग करी जाए, तो वो चीज़ में गाड़ी काफ़ी रफ़ एंड टफ़ है। और अगर कैबिन की बात करें तो एक्सटीरियर डिज़ाइन की तरह अंदर भी कोई ख़ास चेंजेस नहीं है, सेम वही लेआउट है, और दिखने में बहुत बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, क्योंकि एक मॉडर्न फील नहीं आती, लेकिन हाँ काफ़ी जगह लेदर टचेस दिए गए हैं तो उससे थोड़ा सा प्रीमियम फील आती है कैबिन के अंदर। लेकिन फीचर्स के मामले में बहुत ज़्यादा कोई ख़ास अच्छाई नहीं है इस गाड़ी में। सेफ्टी फीचर्स अच्छे हैं इसमें, ESP है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, 6 एयरबैग्स हैं, हिल डिसेंट कंट्रोल है, लेकिन उसके अलावा जो इंडियन कंज्यूमर्स को काफ़ी सारे फीचर्स ही होते हैं जैसे कि सनरूफ नहीं है, उसके अलावा एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो नहीं है इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में। इंफोटेनमेंट सिस्टम अपने आप में ऐसा लगता है कि किसी 10-12 साल पुरानी गाड़ी से उठा के लगाया है, और बहुत छोटी स्क्रीन है, टच रिस्पॉन्स ओके है, लेकिन उसके अलावा कोई ख़ास फीचर्स इसमें नहीं है। और उसके अलावा जैसे कि वायरलेस चार्जिंग और काफ़ी सारे नए फीचर्स इस गाड़ी में नहीं हैं जो कि इस प्राइस सेगमेंट में और किसी भी गाड़ी में आपको मिलेंगे, तो ये एक थोड़ा डाउनसाइड है इस गाड़ी का। और अगर ये चीज़ें आप सैक्रिफाइस कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स उस केस में उसके अलावा कैबिन ठीक है, कंफर्टेबल है, आगे सीट्स अच्छी हैं, पीछे भी स्पेस ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत पीछे ये है कि जहाँ पे स्पेस तो सही है आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ लेग रूम, नी रूम मिलता है, सीट की हाइट कुछ इस तरह से है कि आप जब बैठते हैं आप काफ़ी नीचे बैठते हैं, फ्लोर ऊपर है, उस कारण से
आपके पैर जो हैं वो काफ़ी ऊपर की तरफ पॉइंट करते हैं और उस कारण से अंडर थाई सपोर्ट आपको नहीं मिलता। आप अगर पैर स्लाइड भी कर लेंगे तब भी कमी रहती है और लॉन्ग जर्नीज पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो कंफर्ट के हिसाब से अगर आप गाड़ी देख रहे हैं तो ऑफकोर्स वी क्रॉस आपके लिए सही गाड़ी नहीं है, लेकिन जैसा कि आपको पहले बताया, कैरेक्टर के हिसाब से जो एक पिकअप ट्रक में जो खूबियाँ होती हैं उसके हिसाब से कैबिन में आप जो एक्सपेक्ट करेंगे वो चीज़ें इस गाड़ी में आपको मिलती हैं। तो अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो वी क्रॉस को जस्टिफाई करना बहुत ही मुश्किल है, हर तरह से एक महंगी गाड़ी ही दिखेगी। लेकिन अगर आप इसे एक लाइफस्टाइल व्हीकल के तौर पे देखें, जो कि ये एक्चुअली है, तब इस गाड़ी में थोड़ी थोड़ी आपको अपील दिखने शुरू होती है। क्योंकि जब आप इसका डिज़ाइन देखते हैं, ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो इतना बढ़िया आपको अलग सा एक माचो और रगेड लुक देती हो। उसके अलावा खैर ऑफ रोड कैपेबिलिटी की बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छी है, और एक कैरेक्टर की जो बात हम करते हैं, गाड़ी में एक जो दमदार कैरेक्टर होना चाहिए वो इस गाड़ी में कूट कूट के भरा हुआ है। तो इसे एंड में खरीदेगा कौन? वेल, इसे खरीदेगा वही आदमी जो पिकअप ट्रक को बेहद पसंद करता हो, यानी कि पिकअप ट्रक्स के लिए बहुत पैशनेट हो और इस पर्टिकुलर गाड़ी से काफ़ी प्यार करता हो। और जहाँ तक पैशन और प्यार की बात है, खैर इन दो चीज़ों को पैसे में तोलना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वो बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे आने वाली सारी एक्सप्रेस ड्राइव्स वीडियोस आप तक पहुंच पाएंगी।